हे गाइस, वेलकम टू सोमो लाइफस्टाइल। आज का मेरा ये पूरा व्लॉग है ना, चित्तौड़गढ़ किले पे है। और है ना, पूरे चित्तौड़गढ़ किले का मैं है ना इसमें टूर कराने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये वाला वीडियो ना प्लीज़ आप पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए, अब चल रहे हैं अपन चित्तौड़गढ़ किले की उधर। तो वो जो सामने दिख रहा है ना, जस्ट सामने ऊंचाई पे, वही है चित्तौड़गढ़ किला। और ये देखो, ये किले की शुरुआत हो चुकी है। ये है ना, इस किले का फर्स्ट दरवाज़ा है। ऐसे ना 7 दरवाजे पार करके जाएंगे, तब जाके ऊपर अपन किले तक पहुंच पाएंगे। और इन दरवाज़ों पे ना अलग अलग नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे राम पोल, लक्ष्मण पोल, ऐसे 7 दरवाज़ों के नाम भी लिखे हुए हैं इन पे। और प्लस वो जो जयमल पत्ता, कल्ला राठौड़ थे ना, उनकी जो मूर्तियाँ भी हैं इन दरवाज़ों के आसपास, सभी पे नहीं है, फर्स्ट वाले दरवाजे के वहीं थी। तो चलिए अब ऊपर चलते जाते हैं। तो ये देखिए, अपना ना किले के ऊपर पहुंच चुके हैं। और किले के ऊपर से ना ये पूरा चित्तौड़गढ़ दिख रहा है। चित्तौड़गढ़ कुछ इस टाइप से दिखता है ऊपर से। और उधर से जो गाड़ियाँ आ रही है ना, वहीं से अपन आए थे। तो ये कैसे घूम के आ रहा है, 7 दरवाजे पार करके वहीं से चढ़ के आए हैं ऊपर। और ये देखो, यहाँ से ना चित्तौड़गढ़ कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा व्यू लगता है। पूरा चित्तौड़गढ़ यहाँ से दिखता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये किला है ना पूरे भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा किला है, दुर्ग है। तो उस हिसाब से वैसे भी है ना ये तो बहुत बड़ा ही है। पैदल तो इसमें ना एक दिन में कभी भी नहीं घूम पाए, कितने भी कोशिश कर लो पैदल नहीं घूम पाए। इसलिए ना ऑटो करके, और ऑटो से देख रहे हैं। जो मेन मेन चीज़ें होगी ना देखने लायक, वही देख पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा है ना, किसी की कैपेसिटी नहीं है भाई इसको मतलब पैदल घूम कैसे देख पाए एक दिन में। तो ये देखो, हम उस हिसाब से ऑटो में घूम रहे हैं किले के अंदर। और वो जो ऑटो वाले अंकल थे ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने मतलब सब कुछ बताया है, हमारे को गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखो, पुराने उस ज़माने की घटियां हैं, तोपे सब कुछ पड़ी है। और ये देखो, ये अंदर है ना उस टाइम की ये मूर्तियाँ वगैरह भी रखी हुई है। ये देखो, शायद ये तो घट्टी जैसी कुछ लगी थी, मेरे को पता नहीं है क्या। और ये देखो, ये इनके अंदर ना ये उस टाइम की तोपे पड़ी है। और इन सबको ना बढ़िया व्यवस्थित रख रखा है, बड़ी तोप अलग से, छोटी अलग, ये मतलब जिस कैटेगरी के ना उस हिसाब से कैटेगरी वाइज इनको रखा गया है अलग अलग जगह पे। तो अब ये देखने के बाद ना अपन चलेंगे संग्रहालय में। तो ये देखो, इसमें एंटर होते हैं ना, सबसे पहले ये चित्तौड़गढ़ का पूरा नक्शा आता है। इसमें किला प्लस चित्तौड़गढ़ शहर का पूरा इसमें है ना ये नक्शा है। और ये तो ना बाद में बनाया हुआ है संग्रहालय पूरा, ये बाद में स्थापित किया हुआ है ये तो सब कुछ। बाकी यूँ पूरा प्रॉपर बना रखा है, ये देखने में सबको समझ में आता है। और इसमें लिखा हुआ भी है, अभी इसमें फोटो कैमरे में तो दिख नहीं रहा। तो चलिए, अब इसके बाद ना अपन देखते हैं उस टाइम का अस्त्र शस्त्र, जो भी युद्ध में क्या क्या काम में लिए जाते थे, क्या पहने जाते थे, वो सब कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं अभी भी बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। प्लस उनका इतिहास भी लिखा हुआ है, और किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये देखो, इस टाइप से तलवारें वगैरह सब कुछ थी इनमें, इतनी वेराइटियाँ थी, हम तो देखते देखते परेशान हो गए, पागल हो गई। इतना मतलब इतना कलेक्शन था यहाँ पे हर एक चीज़ का। ये तलवारों से लेके भाल लेन, ये राइफल लेन, बंदूकें, बहुत कुछ संग्रह कर रखा है।
चलिए अब देखते हैं अपन किला, राजा रतन सिंह की हवेली, पद्मिनी का महल, ये सब कुछ देखेंगे। और सच में ना वाकई में यहाँ के ऐसा लग रहा था इन सब चीज़ों को देख के कि यार यही वो जगह है जहाँ पे रानी पद्मिनी ने जौहर किया है, यही वो जगह है जहाँ पे वो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को देखने आया था। ये मतलब वो सब कुछ जैसे हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो वो सब कुछ ना आंखों के सामने ऐसा हो रहा था, जैसे अंदर से ऐसे फील हो रहा था सब कुछ। और सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो चलिए देखते चलते हैं कि क्या क्या है। ये देखो थोड़ा यूँ खंडर टाइप से होने लग गया है अभी ये, क्योंकि काफ़ी पुराना है तो होगा भी सही, बारिश वगैरह सब कुछ होती रहती है तो यूँ थोड़ा खंडर खंडर सा हो गया है। और इधर उधर है ना वो विजय स्तंभ वगैरह, और क्या नाम से मीराबाई का मंदिर, रानी पद्मिनी का महल, ये सब कुछ है ना यहाँ से उधर दिखता है। ये गार्डन के उस साइड से उधर भी जाएंगे, बहुत बड़ा है, पर जो मेन मेन जगह होंगी ना वहाँ सब जगह घूमेंगे। तो चलिए इधर देखने के बाद अब उधर चलेंगे, और उधर है ना पहले अपन चलेंगे मीराबाई मंदिर में। तो ये वाला मंदिर है मीराबाई मंदिर, और सच में बहुत अच्छा है, उस ज़माने का ही बना हुआ है। और इसमें ना भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति की पूजा होती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करेंगे। ये देखो कितने सारे खंभे हैं ना इस मंदिर में, ये रहे भगवान। और यहाँ दर्शन करने के बाद फिर चलेंगे विजय स्तंभ के उधर। और मेन जगह समथिंग समथिंग अपन सब जगह घूम के आ गए हैं, और सबसे मेन जगह है गौमुख कुंड, जिसके लिए कहा जाता है कि रानी पद्मिनी है ना सुरंग के माध्यम से वहीं स्नान आती थी। तो उसका ना मैं अलग से शॉर्ट्स दूंगी, छोटा सा वीडियो दूंगी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो वाला गोकुंड वाला है ना मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ आके ना सच में वो सारे सीन याद आ रहे थे जो हिस्ट्री में पढ़े थे ना, वो सब कुछ याद आ रहा था। तो सच में यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो आपको ना ये वीडियो कैसा लगा मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।